बाथटब में बैठा हूँ भाई लोग, गर्म पानी है। मस्ट ट्राई टू रिलैक्स योर बॉडी इन दिस बाथटब एट हिल्टन अलकोबर। तो हम लोग ने ना फाइनली चेक इन कर लिया है हिल्टन अलकोबर होटल में। आओ आप लोग को मेरे रूम का नजारा दिखाता हूँ। और ये रूम है ना क्रॉसवे के एकदम नजदीक है, जो कनेक्ट करता है सऊदी अरब और बहरीन को। सो दरवाजा खोलने के साथ आ जाता है ये बेड और सोफा बेड, शाइस्ता रेस्ट कर रही है। टीवी दिया है बैग रखने के लिए, अच्छा स्पेस है टेबल जैसा, तो हम हमारे बैग्स रख सकते हैं। थोड़े से सामान हमने रखना शुरू कर दिया है। ये है वो सोफा बेड और ये क्लोज विंडो है। वाओ यहाँ से नज़ारा देखो भाई लोग, सुपर्ब है। ये जो ब्रिज दिख रहा है ना, ये वाला ये ब्रिज है, क्रॉसवे बोलते हैं इसको, किंग फहद क्रॉसवे नाम है इसका, जो कनेक्ट करता है बहरीन को। ये हमारा वॉशरूम बाथटब, मैं दिख रहा हूँ मिरर में, है ना, अच्छा है ना। तो ये लॉबी का एरिया है भाई लोग, जो हम लोग है ना रूम लिए थे ना, ये बाहर का है। तो यहाँ पे आप स्टोरेज ऑफ बिल्डिंग देख सकते हैं हिल्टन अलकोबर की, 18 फ्लोर्स की बिल्डिंग है टोटल, बहुत अच्छी लग रही थी। रूम होटल जो है ना उसके बाहर का नज़ारा देखो, अच्छे फ्लोर्स है, मैं लाइक बहुत बड़ा होटल है, 17-18 माले की बिल्डिंग है, क्रॉसवे के सामने ही है, बिल्कुल लग के ही है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था पुरानी वीडियो में, थोड़ा सा झलक आज आप लोग इस मेरे वीडियो में और देखोगे। मैं इन का बिजनेस सेंटर देखना चाहता हूँ, तो वो भी मैं जाके भी आपको दिखाता हूँ। और नाश्ता करने जाएंगे ना जब हम लोग, तो रेस्टोरेंट कैसा रहेगा, नाश्ता कैसा रहेगा, उसका भी ग्लिम्स दिखाऊंगा। ये है इनका बिजनेस सेंटर भाई लोग, 2 HP के लैपटॉप्स रखे हैं। ये देखो अब मेरा काम इधर हो जाएगा। फिर से चला। ब्रेकफास्ट है रिसेप्शन पे ना? जी रेस्टोरेंट ना, पैलमेट रेस्टोरेंट ना। जी चलो जी। तो हम लोग अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट खाने। लिफ्ट का नजारा देखो भाई लोग, क्या लिफ्ट है भाई, सऊदी अरब की मस्त है। और साथ में हम लोग का भी लुक्स देखो आप लोग, और होटल का भी लुक्स देखो। अभी हम लोग निकलेंगे बाहर और ये दरवाजा खुलेगा, मंदिर खुल ही जा, गिली 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 गिली। वाओ एम्बियंस देखो होटल का, कल आके हम लोग फौरन थक गए थे ना, तो निकाले नहीं थे, अभी निकाल रहा हूँ। कितना खूबसूरत है ये एम्बियंस। The authentic continental breakfast you will find in the restaurant. The breakfast and the cuisine and the menu was really amazing. There was variety of continental stuffs as you can see in this video. We really enjoyed their breakfast. Number one. ये life counter है जहाँ पे आपको fresh omelette बना के मिलेंगे। जहाँ शाइस्ता और बच्चे लोग खड़े हैं ना, वहाँ पर है ना cornflakes रखे हुए। As usual ये लोग को cornflakes खाना बहुत पसंद है। गोट मिल्क, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, फुल फैट मिल्क, लो फैट मिल्क सारे हैं यहाँ पे। हॉट मिल्क और वेंडिंग मशीन कॉफ़ी की। और ये देखो कितने सारे वैरायटीज ऑफ ब्रेड्स है, मफिन केक्स है, टोस्ट है, अरेबिक ब्रेड्स है जिसको हम लोग खुबूस कहते हैं, बन पाव है, वैरायटीज था भाई लोग। एज यूजल हर फाइव स्टार होटल में जैसा सजाते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी सजा था भाई। प्लेट देखो भाई, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की प्लेट है ये भाई, जाने वाली प्लेट है, देखो क्या डिज़ाइन है इसकी। तो यहाँ पर देखो वैरायटीज ऑफ सिनेमन पाउडर है, ड्राई फ्रूट्स के जार्स रखे थे, यानी अनलिमिटेड आप ले सकते हैं। और इनका टेबल सजाने का तरीका प्लेट्स का, और जो रखते हैं ना ग्लासेस, स्पून्स एंड रुमाल, बहुत अच्छा था। ये मेरी प्लेट थी ब्रेकफास्ट की, माशाल्लाह खाना था। नमस्ते।
मस्त है, साउथ कल्चर। भाई बहुत अच्छे हैं भाई, नेपाल से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को इन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दिया है। ये हिल्टन होटल के स्टाफ ही है, वो एक मजे की बात बताने वाले हैं। आ जाओ भाई, बताओ क्या बता रहे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई से मोजिक फ्रॉम नेपाल। सो रिसेंटली आई एम वर्किंग फॉर द हिल्टन होटल पॉडकास्ट रॉय। सो दिस इज आवर इंडियन गेस्ट, वेरी काइंड, वेरी ब्यूटीफुल, एंड दे हैव बीन ड्रिंक ब्रेकफास्ट विद अस इन द मॉर्निंग। सो होप यू एंजॉय विद अस, राइट? सो हाउ इज द मेन? It was amazing, amazing. Welcome. So, इन्होंने हम लोग को बहुत अच्छी बात बताई कि जो रिव्यूज में जाने का गूगल में डाल के होटल के रिव्यूज जो हम लोग ये करते ना डालते हैं, वहाँ पे हम हमारे फोटोज या वीडियोज भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये मुझे पता नहीं थी और इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ, इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच अर्जुन भाई, माय प्लेजर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात। आप लोग सर का यूट्यूब चैनल में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो मैं भी करेगा मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी सर्विस दिया, हमेशा हमारे साथ थे, टेबल पे लाके दिया, बच्चों लोग के लिए भी सारी चीज़ें लाके दिए थे। शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। प्रेजेंटेशन जो इन्होंने रखा था, हर चीज़ का तारीफ़ लायक है और हर एक स्टाफ इनके बहुत अच्छे, बहुत फ्रेंडली है, बहुत कस्टमर फोकस है इनके, और काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोग ने हर चीज़ प्रेजेंट किया। वेज ग्रिल बहुत अच्छा लगा देखकर, वैराइटीज़ ऑफ चिली पाउडर थे, चिली फ्लेक्स थे, मैंने पहले भी बताया था इस बारे में। और ये जो थे इनके लाइव काउंटर्स थे, जहाँ पे एक लाइक हैवी फूड आपको मिलता है, वो भी इन्होंने रखा था, डिफरेंट टाइप्स में, अरेबिक, इंडियन और कॉन्टिनेंटल सूप्स भी थे। और ये जो लाइव किचन का अंदर भी इनकी क्लीननेस और टाइडी बहुत अच्छी लगी मुझे। ऑन रिक्वेस्ट फिल्टर कॉफ़ी जो हमने मंगाई थी ना, तो यहाँ के मैनेजर ही खुद हमें सर्व कर रहे हैं हिल्टन के। इतना अच्छा है यहाँ का इंतज़ाम कि मैं बता ही नहीं सकता, तारीफ़ लाए के। और मुझे पता चला ये जो होटल है ना, दो महीना पहले खुला है, बस इनॉग्रेट करके अभी जो लोग ने फेस शुरू करके गेस्ट की बुकिंग किया है। और हम लोग बहुत लकी है कि नए होटल में आके हम लोग रहे, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। हम लोग है ना टेबल पर बैठे थे, हमारे बच्चे लोग को हिल्टन की टीम ने ना एक्टिविटीज़ कराई। भाई लोग देखो, ये नेमा की एक्टिविटी का है, फुटबॉल खेलने वाला है। होटल के 18th फ्लोर पे है ना स्विमिंग पूल है और जिम भी है, तो अभी मैं आप लोग को अंदर जाके स्विमिंग पूल का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक लेडी खड़ी है, अली गया पानी में, देखो। तो ये हम आ गए हैं स्विमिंग एरिया में। यहाँ पे जेंट्स और लेडीज टाइमिंग डिफरेंट है, क्योंकि सऊदी के हिसाब से वी नीड टू फॉलो देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अभी फ़िलहाल जेंट्स का टाइमिंग चल रहा है, बट एज देर इज़ नो फैमिलीज ओवर हियर, सो वी कैन एंटर एंड वी कैन जस्ट रोम अंटिल एंड अनलेस कोई फैमिली आती है, तो मैं और तैमीन आपा फिर बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये कॉजवे का और ये सिटी व्यू है, और ये अंदर आप देखोगे यहाँ पर ये सीटिंग एरिया भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर चेंजिंग रूम है, टाल्स वगैरह सब है अवेलेबल। दे हैव जिम आल्सो विच इज़ 24/7, वो भी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। अब फुरकान और ये लोग रेडी है जिम जाने के लिए। ओके, देखेगा आप लोग। तो फुरकान आपको जेंट्स जिम टूर कराएंगे, मैं आपको लेडीज जिम टूर कराएगी। ओके फुरकान, क्या मैं आप लोग को ना क्रॉस वे जो बहरीन जाते हैं ना उसका एक व्यू दिखाऊं, क्योंकि होटल के रूम से ना मेरे को इतना अच्छा व्यू नहीं मिल रहा था। तो मैंने हमारे मैनेजर से पूछा तो उसने बोला हाँ आपको व्यू मिलेगा। देखो भाई लोग, ये है वो क्रॉस वे, ये देखो, ये है वो क्रॉस वे। आप इसको क्रॉस करोगे तो पहुंच जाओगे बहरीन। ये होटल के रूफटॉप से जो जिम एरिया ना, वहाँ से मुझे मिला है निकालने को। तो ये है वो जिम एरिया, देखो कितनी सारी ट्रेडमिल की मशीन्स रखी है वर्कआउट करने के लिए, डंबल्स है, चेस्ट की मशीन है, जिमनेशियम करने के लिए बॉल्स है, योगा वगैरह के लिए मैट्स है, डिस्पेंसर है, वाटर डिस्पेंसर है। अच्छा जी, मैं
शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत अच्छा जिम है, मशीन भी काफ़ी नई लग रही है। तो ये हम एंटर किए हैं लेडीज जिम में, ये देखिए बहुत अच्छा, नीट एंड क्लीन। मैनेजर है, ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें हिल्टन की प्रॉपर्टीज कैसी होती है। तो गौरव भाई बताया नहीं जरा, आप अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो मैं बता रहा था, जैसे कि वॉलड्रॉफ अस्टोरिया है वो टॉप लग्जरी ब्रांड है हिल्टन का, ठीक है। उसमें मतलब रिच एंड हाई एंड कलेक्शन होता है, ऑल हाई एंड पीपल गो एंड स्टे। इवन नाउ अ डेज क्या होता है कि मतलब हम लोग भी एक्सपीरियंस करने के लिए, जैसे हर लेवल के लोग जाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे ज़्यादा जो लग्जरी प्रॉपर्टी है हिल्टन का टॉप ब्रांड है वर्ल्ड ऑफ अस्टोरिया। उसके बाद कॉनराड आता है, कॉनराड हिल्टन जो है वो वर्ल्ड ऑफ अस्टोरिया के बाद सेकेंड नंबर पे। फिर थर्ड नंबर पे आता है हिल्टन है, और हिल्टन होटल एंड रिजॉर्ट्स है। सो ये जो कॉनराड है वो भी लग्जरी प्रॉपर्टी में आता है। फिर हिल्टन एंड हिल्टन रिजॉर्ट्स जो है वो एक्चुअली बिजनेस या फिर लेजर, इट कवर्स ऑल ऑफ इट। तो हमारे हिल्टन में क्या होता है, ज़्यादा रेस्टोरेंट्स होते हैं, फिर मीटिंग रूम्स होते हैं, आवर दीज आर मेन सिग्नेचर फॉर हिल्टन। हाँ, और हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो मतलब बेस्ट होता है। तो इधर है बैंक्वेट हॉल्स भी है, बैंक्वेट यहाँ पर नहीं है, बैंक्वेट यहाँ पर हमारे पास मीटिंग रूम्स हैं, टेन मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस रूम्स। अभी एक रेस्टोरेंट चालू हुआ है जिसमें आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया। जी हाँ, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। एक ये कॉफी शॉप है और एक रेस्टोरेंट का हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। अरे वाह, इंशाल्लाह शायद नेक्स्ट टाइम आप लोग जब तक आएंगे तब तक हम लोग स्टार्ट। इंडियन खाना रहेगा तो और अच्छा लगेगा। जरूर जरूर जरूर, वी विल डू आवर बेस्ट, क्योंकि हम लोग इंडिया से है तो इंडिया का खाना जिधर रहता है बहुत शौक से खाते हैं। थैंक यू। आप लोग का नेक्स्ट टाइम आने तक होप सो। थैंक यू, वी आर रेडी विद इट। और नाइस मीटिंग यू, सेम हियर, सेम गौरव। और आपका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, इतने अच्छे हमारे ध्यान रखे इन्होंने, स्पेशली हमारे बच्चों का भी ध्यान रखा। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। प्लान करोगे तो ज़रूर ये होटल सेलेक्ट करना आप लोग। थैंक यू आप लोग का विजिट करने के लिए। थैंक यू एंड वी आर हियर टू वेलकम ऑल ऑफ यू, and we are here to give all our best to make your stay very nice and enjoyable. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you. So it's really hard to say goodbye from Hilton Al Khobar. हम लोग यहाँ पे जो रुके थे ना, यहाँ की hospitality is really awesome. The staffs are really good. Especially this restaurant behind us, the Palmese. The food was awesome. The breakfast menus are awesome. Thank you so much. आप लोग अगर प्लान कर रहे हो अल खोबर आने का, सो प्लीज बुक दिस होटल अल हिल्टन अल खोबर, इट्स वेरी नाइस होटल। हम लोग का वक्त होता है अब निकलने का, अब हमारी नेक्स्ट जर्नी के लिए। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मसलामा।